अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आए हैं सैलानी बाबा के दरगाह को, सैलानी गांव, बुल्ढाना ज़िला, महाराष्ट्र। आज होली है तो यहां पर बहुत लोग आते हैं अपने कपड़े जलाने के लिए। लोगों का मानना है कि अपने जिस्म के जो भी कपड़े जलाने से बुरे असर जिस्म के दूर हो जाते हैं। देखो, यहां पर मैदान होता है, यहां पर खेतें होते हैं खाली वक्त में। अब यहां पर होटल है, टेम्पररी बस स्टैंड है, सब कुछ बन चुका है। दूर दूर तक बसों का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ से सब जगह परभनी, जालना, नांदेड़, इस तरफ यहाँ से बसें चल रही है। अच्छा सा बस स्टैंड का इंतज़ाम किया है यहाँ पर। अभी हम नीचे दरगाह की तरफ चलते हैं, सैलान बाबा की दरगाह को। बहुत लोग आए हैं, आज होली है इसके लिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था 24 मार्च 2024 को होली है, वो आज ही के दिन है। देखो, वहाँ पर धुआं नज़र आ रहा है, वहीं पर होली जल रही है। अब हमें दरगाह पे ज़ियारत करके वहाँ पर जाना है जहाँ पर होली चल रही है। देखो, लोग चादर पेश करने लाइन में लगे हैं, बहुत दूर दूर तक लाइन है। धूप में लोग वेट कर रहे हैं चादर पेश करने के लिए। 24 मार्च 2024 का नज़ारा है ये, होली के दिन बहुत लोग आए हैं अपनी अपनी चादर पेश करने, मन्नत मुरादें लेकर। अभी हम आगे चलते हैं दरगाह की तरफ ज़ियारत करने। देखो, दूर दूर तक लोग चादर लेकर ठहरे हैं। दरगाह नजर आ रही है, पास में है दरगाह। देखो, यहाँ से बैरिकेड वगैरह लगाए हैं क्योंकि लोग बीच में से ना घुसे, इसलिए इस तरह से यहाँ पर बाउंड्री बनाए हैं सलाखों से। अरे, पंखा लग गया कैमरे को, जाने तो कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। देखो, हमारा नंबर अभी आ गया है लाइन में, बिल्कुल दरगाह के सामने है हज़रत सैलानी बाबा के, हज़रत सैलानी बाबा अब्दुल रहमान साहब। देखो, मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं अभी लाइन में आने के लिए। अंदर आ चुके हैं, देखो हम ज़ियारत कर रहे हैं और दुरुद पहुंचा रहे हैं यहाँ पर ठहर कर। अभी हम जा रहे हैं होली जहाँ जलती है वहाँ पर, जहाँ लोग अपने पुराने कपड़े जलाते हैं वो यही जगह है। लोगों का मानना है जिसके पुराने कपड़े इस यहाँ पर जलाते हैं, इस जगह पर जला देते हैं तो अपने जिस्म के जो भी बुरे असरात हैं, बुरे चीज़ें हैं, वो दूर हो जाते हैं। इसलिए बहुत ये ख़ास करके लोग आ जाते हैं अपने जिस्म के कपड़े जलाने के लिए, जो भी पहने थे कपड़े वो जलाने के लिए यहाँ पर आते हैं। कपड़े जलाने से जिस्म के जो भी बुरे असरात हैं वो चले जाते हैं। नारियल भी वारते हैं, जो नारियल दिख रहा है, नारियल को गुड़ी लगी हुई है उसको भी वार कर इस आग में डालते हैं क्योंकि उससे भी बुरे असरात दूर होते हैं, यहाँ आने वालों का मानना है। जो भी यहाँ आते सब मानते हैं कि इससे बुरे असर दूर होते हैं। पिछले साल दोपहर 3 बजे के आसपास होली जलाए थे, लेकिन इस साल तो सुबह सुबह ही 9 से 10 बजे के बीच में लगा चुके हैं, होली जला चुके हैं यहाँ पर। सैलानी बाबा की होली भी बोलते, धुगली भी बोलते, यहाँ पुराने कपड़े जलाते हैं लोगों के, जो भी इसमें डाल देते हैं उनके कपड़े यहाँ जल जाते हैं। हमने भी डाल दिए। हाजिरी भी आ रही है लोगों को यहाँ पर।
जुगाड़ कर फेंकते हो नारियल, यहाँ पर कम से कम कीमत में बेच रहे हैं 10 रुपए में। देखो ये नज़ारा है, होली जल रही है सैलानी बाबा की, 24 मार्च 2024 का नज़ारा है। पिछले साल का वीडियो भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, उम्मीद करता हूँ आपको ये भी वीडियो अच्छी लगेगी। इस साल हमें आग नज़र नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर गड़ा डाल खोद चुके हैं, क्योंकि गड़ा खोद कर उसमें कपड़े डालकर अंदर आग, गड़े के अंदर आग लगा रहे हैं, तो हमें आग नज़र नहीं आ रही है, धुआं नज़र आ रहा है। पिछले साल गड़ा नहीं था, ऊपर ही थे कपड़े, तो ऊपर ही आग लगा दी तो हमें आग नज़र आ रही थी। इस साल गड़ा खोदे, बहुत बड़ा गड़ा खोदे, उसमें लोगों के कपड़े डाल रहे हैं, देखो कैसे डाल रहे हैं लोग, वैसे ही उसमें कपड़े डाल चुके हैं, तो नीचे आग लग रही है, गड़े में आग लग रही है, तो हमें आग उतनी नज़र नहीं आ रही है, बस धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है। देखो इस तरह फायर इंजन है, इमरजेंसी में अगर कुछ हुआ करा तो आग बुझाने के लिए फायर इंजन भी है, पुलिस की बंदोबस्त भी बहुत अच्छा है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो देखते रहिए एंड तक, इसी तरह का खूबसूरत नज़ारा है। खूबसूरत नज़ारा इसी तरह का। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके अल्लाह हाफिज़। Yeah.
और